Hello kids, welcome to Cool Romy Cartoons. Today's story topic is The Bear and the Travelers. दफा का जिक्र है कि एक जंगल में से दो दोस्त इकट्ठे गुजर रहे थे। उन्होंने वादा किया कि वो एक दूसरे का पूरे सफर में साथ देंगे। अचानक से झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई थीं। जब उन्होंने देखा तो कोई चीज उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो एक बड़ा भालू था जो उनकी तरफ आ रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनमें से एक ने सोचा कि वो दरख्त पर चढ़ जाएगा और अपने आप को बचा लेगा। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा था। दूसरे दोस्त को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। वो ज़मीन पर लेट गया और अपनी सांस बंद कर ली, क्योंकि उसने सुना था कि भालू मुर्दा इंसानों का गोश्त नहीं खाते और उनका शिकार नहीं करते। थम्स अप दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। भालू उस जमीन पर लेटे हुए लड़के के करीब आया। उसने उसके कानों को सूंघा और आगे चल दिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू कूल रोमी कार्टून एंड हिट द बेल आइकन। वो दोस्त जो दरख्त पर चढ़ गया था नीचे आया और उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? दूसरे दोस्त ने उसको जवाब दिया कि भालू ने मुझे नसीहत की कि किसी पर भी एतबार ना करो जो तुम्हें ज़रूरत के वक़्त में काम ना आ सके। कहानी से हमें सबक मिलता है कि एक मुखलिस दोस्त वही होता है जो ज़रूरत के वक़्त में काम आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल आइकन।